भारत के सबसे प्रिय उत्सवों में से एक गणेश चतुर्थी का आगमन हो गया है। इस पावन पर्व के मौके पर कई परिवार अपने घरों को रंगोली से सजाकर भगवान गणेश को फूल चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं सबके मंगल की। जैसे सड़कों पर उत्सव के रंग बिखरते हैं, वैसे ही उन रंगों के फैलाव से हवा में भक्ति और खुशी का माहौल सा बन जाता है, जो गणेश चतुर्थी के आगमन का संदेश देता है। गज यानी हाथी के सिर वाले देव गणेश के जन्म का जश्न मनाने वाला यह 10 दिवसीय हिंदू त्योहार अत्यधिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का समय है। इस पर बात आती है कि हम गणेश चतुर्थी मनाते क्यों हैं? भाद्रपद माह के चौथे दिन से शुरू होने वाली गणेश चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है, जिनका बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि के देव के रूप में पूजन किया जाता है। घर और सार्वजनिक स्थान गणेश की सुंदर सजी हुई मूर्तियों के साथ एक सुंदर से अभ्यारण में तब्दील हो जाते हैं। पवित्र मन से सावधानी पूर्वक तैयार की गई और विस्तृत रूप से सजाई गई यह मूर्तियां उत्सव का केंद्र बन जाती हैं। परिवार और समुदाय अनुष्ठान करने और मिठाई फूल चढ़ाने और प्रार्थना करने के लिए एक साथ आकर समृद्धि और बुद्धि के लिए गणेश के आशीर्वाद की अभियाचना करते हैं। उत्सव का अंतिम दिन भव्य जुलूस के साथ आता है, जब भारी दिल और नम आंखों के साथ भक्त स्थानीय नदियों में मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। यह क्रिया प्रकृति में सृजन और विघटन के चक्र का प्रतीक है। अब बात आती है गणेश चतुर्थी के महत्व की, तो गणेश चतुर्थी की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। माना जाता है कि मराठा शासक शिवाजी के शासनकाल के दौरान उसे प्रमुखता मिली थी। सदियों के बाद भारतीय राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने इस त्योहार को पुनर्जीवित किया। इसे भारतीयों को एकजुट करने और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने के लिए एक सार्वजनिक उत्सव में बदल दिया। आज यह परंपरा विशेष रूप से महाराष्ट्र और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में पनप रही है, जबकि दुनिया भर के हिंदू समुदाय भी इसे अपना रहे हैं। गणेश चतुर्थी का आकर्षण सीमाओं से परे है, जो वैश्विक हिंदू प्रवासियों के साथ प्रतिध्वनि होता है। मुंबई जैसे शहरों में उत्साह स्पष्ट है। उत्सव की परेड सड़कों पर संगीत, नृत्य और सौहार्द से भर जाती है। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मंदिर और सांस्कृतिक संगठन गणेश चतुर्थी की भावना को जीवित रखते हैं और सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। संक्षेप में अगर बात करें तो गणेश चतुर्थी एक त्योहार से कहीं अधिक है। जी हाँ, यह आस्था, समुदाय और संस्कृति का एक संगम है। संगम जो सभी को गणेश के जन्म के हर्षोल्लास पूर्ण उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।